सियासत हो या क्राइम, सामाजिक सरोकार हो या राजनीति, घोटाला हो या बयान, हर तरह के खबरों का गुलदस्ता सिर्फ तहलका न्यूज पर। तहलका न्यूज रखे सारी खबरों को सबसे आगे, सिर्फ खबर ही नहीं भरोसा भी। उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाता की संख्या 16,17,780 है, जिसमें पुरुष मतदाता 8,67,227, महिला मतदाता 7,50,469 है। इसके अतिरिक्त ट्रांसजेंडर्स अन्य मतदाता जो है हमारे वो 84 हैं। कुल मतदान केंद्र हमारे पास 893, कुल बूथों की संख्या जो है 1,354 है। इस निर्वाचन को संपन्न करने के लिए संसदीय क्षेत्र जो 4 विधानसभा क्षेत्र हमारे जनपद में आती है उसमें 113 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, 11 जोन मजिस्ट्रेट्स की, और साथ ही साथ मास्टर ट्रेनर 50 लगाए गए हैं जो कि वर्तमान में स्वीप कार्यक्रम चला रहे हैं, या कभी कहीं कोई वीवीपैट आदि के हैंडलिंग कोई दिक्कत आती है कभी तो उसको तत्काल अटेंड करने के लिए जो टीमें बनाई जाए उनमें लगाए गए। इस जनपद का जेंडर रेशियो जो है गत चुनाव में 844 था, उससे बढ़ करके 865 इस बार हो गया है, और ईपी रेशियो जो है हमारे जनपद में जनसंख्या के सापेक्ष इलेक्टर रेशियो जो है वो 64.0 है। सर मशीनें कितनी आई? मशीनों की जो एलोकेशन यहाँ पे दी गई थी वीवीपैट बीयू सीयू के संबंध में, वो सारी मशीनें यहाँ प्राप्त हो गई, उनकी एफएलसी कंप्लीट हो गई है, मशीनें हमारी तैयार हैं। शीघ्र जैसे उसका रेंडमाइजेशन आदि कार्रवाई बारे में निर्देश आएंगे उस तरह का जीपीएस वगैरह भी लगाए गए हैं। अभी हम अहमदाबाद से आ रहे थे बस से, तो वहाँ देखा कि ट्रैक्टर पे खड़ा होकर लोग जो है प्रधानमंत्री सड़क की जो सड़कें बना योजना की उस पर बोर्ड लगाया, क्या ये वाजिब है? मात्र जो भी दिशा निर्देश हैं कि किसी भी योजना में जहां किसी का नाम आता है या फोटो, तो नाम या फोटो प्रतिबंधित है, प्रधानमंत्री सड़क योजना वो प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन अगर फोटो है तो फोटो। सर सौभाग्य योजना में पूरे जनपद में पूरे देश में बोर्ड लगाया गया जिसमें मोदी जी और योगी जी का फोटो है, वो फोटो हटाएंगे, वो सारे फोटो आप लोग हटेंगे? बिल्कुल हटाएंगे। और सर सोशल मीडिया पे जाति और धार्मिक उन्माद को जो फैलाते हैं उनको लेके क्या कार्रवाई करेंगे? उसके विरुद्ध जो भी स्थापित व्यवस्था उसके अंदर कार्रवाई की है। सर इस बार ईवीएम में कुछ खास है, वो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है, वो क्या है सर? वो जीपीएस इसलिए दिया गया है कि जैसे किसी जनपद से पोलिंग मशीन बीयू सीयू वीवीपैट यहाँ आता है तो जीपीएस के साथ आएगा, जिससे कि उसका रास्ते की शॉर्टेस्ट रूट से आ रहा है, उसका कोई डायग्रेशन तो नहीं है, इसकी इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट मॉनिटर करता है, जिससे कि इसके प्रति जो संवेदनशीलता मतदाताओं में है या पोलिटिकल पार्टीज में है वो तो बनी रहे, और इसको इतना सघनता से मॉनिटरिंग किया जाए जिससे कोई भी दुरुपयोग आदि जो लोग शिकायतें करते हैं वह रोका जाए। सर काउंटिंग कहाँ होनी है? काउंटिंग मंडी समिति। और सर एक जानकारी और दे दीजिए, बहुत से सरकारी अर्ध सरकारी ऐसे लोग हैं जो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हैं जो आज के विभागों से जुड़े हुए हैं, जो संविदा के तो संविदा भी है और वर्तमान के पूरे वेतन वाले तनखा वाले कर्मचारी हैं, डिग्री कॉलेज के हैं, इंटर कॉलेज के हैं, तो लोग आपके साथ चुनाव ड्यूटी में सहभागिता निभाएंगे या फिर अपने अपने बूथों को मजबूत करेंगे? जिनकी चुनाव कार्य में ड्यूटी लगी होगी वो निसंदेह उनसे सिर्फ मात्र निर्वाचन की अपेक्षाएं होगी, अन्य किसी चीज की अपेक्षाएं अगर उनसे नहीं रखी जाएगी। तो ऐसे लोग सर ड्यूटी कटा के और अपने पार्टी के लिए काम करेंगे तो क्या ये सही है? ड्यूटी किसी की नहीं कटेगी जी, उसके बारे में जो आयोग के निर्देश हैं अच्छा सा पालन करेंगे। है कि जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी जो संविदा पे हैं वो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या वो कर सकते हैं? ये जो सरकारी खजाने से पा रहा है किसी भी प्रकार का संदाय वो इसके लिए अर्ह नहीं, तो ऐसे चिन्हित करेंगे आप, ऐसे जो भी लोग पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जांच कराई जाएगी। सर मंडी समिति का पिछले दिनों काफी हंगामा था, मंडी समिति का पिछले दिनों काफी हंगामा था वहाँ पे काउंटिंग कराने को लेकर, क्या वो मान गए? नहीं, उनसे बात हुई, निर्वाचन सबका एक सामूहिक पर्व है, सबकी सहभागिता से ही होता है, अन्य कोई विकल्प हमारे पास नहीं था, उनसे बात हुई तो लोग मान गए, उनको एक विकल्प के रूप में एक दूसरा स्थान भी दे रहे हैं जिससे कि वो अपना व्यवसाय प्रभावित होगा। सर कल ऑफिस में चोरी हुई है, क्या कहेंगे? यह विषय निर्वाचन से अलग है, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। सर आम जनता से क्या होगा? सर हेलीकॉप्टर सुबह उड़ा है, यह एक भ्रांति थी, उसके बारे में आप लोग स्पष्ट करना चाहूंगा। ये नजर आया कि मंत्री जी को कार से जाना पड़ा, हेलीकॉप्टर का यही रूप, मंत्री जी का जो निर्धारित कार्यक्रम जो हम लोग को प्राप्त हुआ था उसमें मात्र उनका हेलीकॉप्टर से यहाँ आना था, और उसमें यही कार्यक्रम था, वहाँ से बाई रोड ही जा रहे थे क्योंकि उनको भी
विश्वास रहा होगा कि 5 बजे के आसपास आचार संहिता लग रही है, इसलिए उसका समाधान किया। और हेलीकॉप्टर जो कल वापस यहाँ से जाता था, जाना था दिल्ली, वो पहुंच नहीं सकता था, तो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी हेलीकॉप्टर में नहीं थी। तो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था सर? नहीं, सुन लीजिए प्रभु, बोल रहा हूँ, पहले सुन तो लीजिए। तो इसलिए हेलीकॉप्टर कंपनी ने यहाँ पे रात में रुकने की अनुमति मांगी थी, वो उनको अनुमति दी गई, जिससे सुबह यहाँ से वापस। सर, आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मतदान को लेकर? आम जनता से हमारी अपील है, जैसे हम बागी त्योहार और पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार से इस लोकतंत्र के पर्व को उसी उत्साह उसी उल्लास से मनाएं और अपनी प्रतिभागिता इसमें बढ़ाएं, और सभी लोग इसका इसमें शामिल हों, अपना योगदान।